एक बच्ची, भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। माँ दुर्गा, मुझे आपकी जरूरत है। उसके भाई और दूसरे बच्चों को गदासुर ले गया। मैंने उससे कहा था कि उसे शक्तिशाली बनना होगा। उसकी यात्रा अनजानी और बहुत मुश्किलों से भरी होगी। मैंने उसे आशीर्वाद में त्रिशूल दिया है, मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान शिव ने मुझे दिया था। इस त्रिशूल और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। यहां महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहां तक कि इंद्र को भी। जन्म देवी दुर्गा, देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में, सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूं आपके विचार क्या रहे होंगे। उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी। सभी देव आपके पीछे थे। एक नई हिम्मत के साथ
महिषासुर ने अपना असली रूप लिया। एक भयावह भैंसे के रूप में पैर पटकता हुआ, योद्धाओं को अपने पैरों से कुचलता हुआ और अपने सींगों से सभी को हवा में उड़ाता हुआ। आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था। आपकी आंखों में युद्ध की ज्योति, माथे पर लगन। मैं जानता था देवों ने क्या बनाया है और मैं ये भी जानता था कि दुनिया में क्या बदलने वाला है। हर बुराई के लिए अच्छाई का जन्म होता है, यही दुनिया का संतुलन है। शैल पुत्री, मुझे याद है कि कैसे आप सती हुई थी और फिर आप पर्वत राज की बेटी पार्वती के रूप में जन्मी। सारी प्रकृति आपकी है और हम सबकी शक्तियां आप में समाई थी। ब्रह्मचारिणी, भगवान शिव से आपकी शादी होने से पहले आप उपवास और प्रार्थना करने पर्वतों पर रहने चली गई थी और उन्हें आपकी श्रद्धा के आगे झुकना पड़ा। स्वर्ण चंद्र घंटा, महान असुर संहारक, आपकी तीसरी आंख हमेशा जागी रहती है। उज्ज्वल कुष्मांडा, महान सृजनहार, जिन्होंने अपनी हंसी से ये दुनिया बना दी। कात्यायनी, हम सभी के विचार से आपने जन्म लिया महिषासुर का वध करने के लिए। स्कंद माता, बुद्धि देने वाली आग की देवी, आपकी गोद में आपकी संतान है। गौर वर्ण की महागौरी, पापियों की उद्धारक, सत्य की देवी। भयावह काल रात्रि, कुशल योद्धा, असुर संहारक और स्वयं समय की काल। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की देवी, आठ शक्तियों को देने वाली इस पूरी दुनिया का स्रोत। उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूं, मैं ही परम सत्य हूं,
उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना जो बुराई के विनाशक, दूसरा हिस्सा आपको पता है देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी। यहां देखो, ये गरुड़ की कहानी है। दो बहनें थी, कद्रू और विनीता, महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्नियां। उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया। कद्रू ने मांगा कि वो हजार पुत्रों की मां बने, विनीता ने बस एक पुत्र मांगा, लेकिन वो कद्रू के हजार पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। महर्षि के आशीर्वाद से कद्रू ने हजार अंडों को जन्म दिया, विनीता ने बस दो अंडों को जन्म दिया। समय के साथ कद्रू के अंडे फूटने लगे, हर एक अंडे के अंदर एक सांप था। विनीता का मन अधीरता और ईर्ष्या से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे। इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया। विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था। अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कद्रू की दासी बनकर रहेंगी, और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी, और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कद्रू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई।
कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज गरुड़। अपनी माँ को दासी बना देख गरुड़ ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा। वे मान गए लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा। गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया। वो बहुत शक्तिशाली था इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया। मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया। क्योंकि उसका दिल साफ था मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया। अगर मैं ऐसा चाहता, मैंने गरुड़ को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है। गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करें। जब वे नहा रहे थे उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। उसने अपनी मां विनीता को आजाद किया। सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया। मैं मत्स्य हूं, सिंह वाली मछली, जिसने महाराज मनु को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगह ले गई थी। मैं कुर्म हूं, विशाल कछुआ, जिसने अपनी पीठ पर पहाड़ का भार उठा रखा है। मैं वराह हूं, जंगली सुअर, जिसने हजारों सालों तक हिरण्याक्ष से युद्ध किया और पृथ्वी को दिव्य समुद्र से वापस लाया। मैं परशुराम हूं, वो शूरवीर, महान योद्धा, जिसने अपना परशु फेंक कर पश्चिमी भूमि बनाई। मैं वामन हूं, एक बौना, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को अपने कदमों से नाप लिया था। मैं नरसिंह हूं, जिसका शरीर आदमी का है लेकिन सिर और पंजे शेर के हैं, जो बुराई से रक्षा करने वाला है। मैं हूं बुद्ध सिद्धार्थ, महाज्ञानी, साधु और शिक्षक। मैं राम हूं, वो राजकुमार जिसे वनवास मिला, जिसने सीता को असुर रावण से बचाया और प्रतिष्ठा के साथ घर लौटे। मैं कल्कि, एक तलवार की लौ के साथ जो बुराई और अंधेरे का चक्रव्यूह नष्ट करता है। मैं कृष्ण हूं, एक ग्वाला, परम दयालु, जिसने अर्जुन का रथ चलाया और उसका
मार्गदर्शन किया। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भगवान विष्णु। मैं आपके नाम में इनका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे भगवान मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। बेटी, मयूर की रक्षा करो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ? महादेव, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। ये पिपलाद का जन्म है, भगवान शिव का एक रूप। जब पिपलाद छोटा बच्चा था, उसके पिता दधीची ने अपनी हड्डियां बलिदान कर दी थी, जिससे देवता असुरों को हरा सके। पिपलाद ने देवों से पूछा कि उसके परिवार को ये कष्ट क्यों मिले, और उन्होंने कहा, ये सब तो ग्रहों का खेल है। पिपलाद को अपने भाग्य पर गुस्सा आ गया और उसने शनि ग्रह को श्राप दिया, जिससे उसका दिव्य घर आसमान से गिरने लगा। देव बीच में आए और उन्होंने पिपलाद से शनि के लिए क्षमा याचना की और अपना श्राप वापस लेने को कहा। पिपलाद मान गया, लेकिन एक शर्त पर, कि अब शनि की दशा से उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया। शिव को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपनी भौं से एक बाल तोड़ा, धरती से उसे घिसा, और तब वीरभद्र निकले, शिव के भयावह योद्धा, जिन्होंने दक्ष को मार दिया और उन्हें शांत किया, यहां तक कि मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया था। अश्वत्थामा का जन्म। द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। जब द्रोण को चाल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी। दोनों योद्धाओं ने मंत्रों से विनाशकारी अस्त्र बनाए। अर्जुन समझदार था, उसने अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया और अर्जुन की बहू उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंश खत्म हो जाए। इसके लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसके माथे से मणि निकाल ली। हजारों सालों तक वो दुनिया भर के जंगल घूमता रहा।
उसकी चोट से खून और मवाद बहते रहते। ऐसा कहते हैं वो आज भी घूम रहा है। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी यात्रा में वे मेरे साथ मेरी मदद के लिए चलेंगे, लेकिन पार्वती ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। वानरों के एक महान राजा थे केसरी, जिन्होंने बच्चे के लिए भगवान शिव की तपस्या की और इस तरह मेरी मदद करने और केसरी को वरदान देने के लिए भगवान शिव ने केसरी के घर में हनुमान के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने मेरे राम रूप में बहुत मदद की। रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। मैं तुमसे नहीं डरती। वो नाग का सामना कैसे करेगी? वो उपदेवता है। ये उसका शत्रु नहीं है, ये रहस्यवादियों की धरती का रक्षक है। वो इस भ्रष्टता से परेशान है जो इस हमले से हुई है। राजी को उसका भरोसा जीतना होगा। मैं सहन नहीं करूंगा घुसपैठिए। शक्तिशाली दिव्य शक्ति दी है। महाबालासुर कमजोर नहीं है, बस उम्मीद करते हैं कि ये काफी रहे। ये जरूर सुदर्शन चक्र है।
मुझ जैसा कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है। मेरे शत्रु जरूर इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्होंने देवताओं को भी परेशान कर दिया है, लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे महाबलासुर को रोकना होगा। वहाँ सच्ची शक्ति का तभी पता चलता है जब सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने कभी उसकी हिम्मत पर शक नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समय पर आएगी। जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं।